हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि दो दिन पहले मैं IIT रुड़की में था वर्कशॉप के लिए, तो वहाँ से मैं आ गया था। वहाँ से आने के बाद मैंने 3 स्केचेस कंप्लीट किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 3 स्केचेस हैं जो कि कमीशन वर्क है, मैंने कंप्लीट किए हैं। एक तो दिखा सकता हूँ बट बाकी मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज परमिशन नहीं है। एक A3 साइज़ का है और 2 A4 साइज़ के हैं। तो ये वाला है देखो, और पीछे हैं 2। तो ये 3 वर्क है जो कि मैंने आने के बाद ड्रॉ किए, और फिलहाल अभी मेरे को एक और कमीशन वर्क बनाना है जो कि आज पूरी रात भर ड्रॉ करेंगे। अभी टाइम हो रहा है तो अभी 12 बजने वाले हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी 12 बजने वाले हैं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, आउटलाइंस कंप्लीट कर ली है इसकी, दिखाता हूँ मैं आपको। अभी दिखेगा नहीं शायद, तो ये दिखेगा ही नहीं। तो इसकी मैंने आउटलाइंस कंप्लीट कर ली है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे सुबह हो जाए, लेकिन इसको कंप्लीट करके ही सोएंगे। फोटोग्राफ देख लो, स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको, ये फोटोग्राफ है। और हाँ, एक और वर्क मैंने स्टार्ट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा A1 साइज़ का। वो इसको मैं कंप्लीट वाटर कलर से ही बना रहा हूँ कॉन्टेस्ट के लिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था लास्ट ब्लॉग में। तो गैस करना ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं वर्क को, देखते हैं कब तक कंप्लीट हो पाता है। ये 3 तो कंप्लीट हो गए, इसके बाद ये लास्ट है, उसके बाद मैं 4 को कल पोस्ट कर दूंगा। डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के हैं सभी, जो कि मेरे को रुड़की जाने से पहले ही आ गए थे, बट मैं बना नहीं पाया था बिकॉज मेरे को वर्कशॉप के लिए जाना था वहाँ पे। तो मैंने कहा था आने के बाद बना दूंगा, इसीलिए अभी मुझे 4 बनाने पड़ रहे हैं। 3 तो बना दिए, एक और बाकी है जो कि आज रात भर कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये हमारे कुछ मेन टूल्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स में, सभी ग्रेफाइट और मैकेनिकल पेंसिल, ब्लेंडिंग के लिए ब्रशेस वगैरह, तो सभी ये हैं। एंड गाइस, काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि आप गौरव सर से मिले, जो आर टेक वाले गौरव सर हैं। मेरा वर्कशॉप उनके साथ में ही था, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे आपने उनके साथ में व्लॉग बनाया नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया। तो एक्चुअली सीन ये था कि मैंने उनका वर्कशॉप अटेंड भी किया था, उनका वर्कशॉप मेरे से पहले था। तो उनका वर्कशॉप मैंने 1 घंटा अटेंड किया था, 1 घंटे तक, और उनसे काफ़ी ज़्यादा मैंने बात भी की, बट मुझे उनके मुँह पर कैमरा लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा सीनियर आर्टिस्ट हैं, और बहुत ही ज़्यादा लिटरली उनसे मिल के मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे बताया आर्ट के बारे में, और भी मतलब काफ़ी कुछ बताया। बट मैंने उनके साथ में व्लॉग नहीं किया, इवन मैं फ़ोटो भी क्लिक नहीं कर पाया बिकॉज उनका जो वर्कशॉप चल रहा था उसके बाद मेरा था, तो मेरे को बीच में से उठ के जाना पड़ा बिकॉज मेरे को सामान वामान लेने जाना था अपने रूम में, तो उसके लिए मैं गया था। तो उसके बाद जैसे ही मैं पहुंचा तो फिर 3 बज गई थी, फिर मैंने अपना वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया। तो अपना वर्कशॉप स्टार्ट किया तो मेरा 6 बजे तक चला, उतने देर वो चले गए थे, तो मैं उसके बाद उनसे मिल भी नहीं पाया। स्टार्टिंग में मिला, उनके वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले मैं मिला उनसे, उसके बाद मैं उनसे मिला ही नहीं। सो गाइस, अभी ये फेस कुछ इतना ड्रॉ गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो और अभी टाइम हो रहा है, तो गाइस अभी 3 बजने वाले हैं, 3 बजने में ओनली 10 मिनट बाकी हैं, 11 मिनट। तो देख लो, ऑलमोस्ट 3 घंटे में कुछ इतना ड्रॉ हो पाया है ओनली फेस। सो गाइस, 3 घंटे में मेरे से कुछ इतना ड्रॉ हो पाया है,
बिल्कुल डिटेलिंग होती है, बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना होता है, स्लोली स्टेप बाय स्टेप लेयरिंग करके, तो इतना ही टाइम लगता है। तो फिलहाल अभी मैंने कुछ छोड़ दिया बिकॉज मेरे को लग रही थी भूख, तो मैं पहले कुछ खाना लेके आता हूँ और खाना पीना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी मैं खाना तो ले आया, तो अभी मेरे पास है सब्जी, एक रोटी है और ये दूध है और साथ में बिस्किट भी है, तो अभी मैं ये खाऊंगा। और कमेंट में न्यूट्रिशन के प्लान मत देने लग जाना, मेरा मन कर रहा था बिस्किट खाने का, दूध पीने का और ये सब्जी वगैरह खाने का, इसलिए मैं ले आया। तो मैं जल्दी से खाता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ड्राइंग करते हुए गाइस पता ही नहीं चलता टाइम का कब गुजर जाता है, 3 घंटे हो गए मेरे को पता भी नहीं चला, मैं बस ड्रॉ करे जा रहा ड्रॉ करे जा रहा, तो मेरे को भूख लग गई थी इसलिए चल गया पता, इसलिए मैं उठ गया, नहीं तो मैं 10 घंटे भी मेरे से लगातार बिठाए रखूँगा ना, मैं बैठे रहता हूँ। बट जैसे कि मैंने आपको बताया लगातार ड्रॉ नहीं करना चाहिए, बीच में रेस्ट तो लेना ही चाहिए, इसलिए मैं रेस्ट तो ले था बीच में, चाहे खाने का ही सही। और गाइस आप सोच रहे होगे कि ये नीचे बैठ के क्यों खा रहा है, एक्चुअली ड्राइंग टेबल पर तो आपने देखा ड्राइंग पड़ी हुई है, सारे मटेरियल वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो सब हटाने पड़ेंगे मुझे, साफ़ करना पड़ेगा। वैसे ड्राइंग टेबल पर खाना खाना भी नहीं चाहिए, नहीं खाना चाहिए क्योंकि ड्राइंग करते हैं उस पर, हमारा रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें ड्राइंग टेबल की भी। तो यूजली मैं पानी या फिर चाय वगैरह पीता हूँ तो उसका कप तो रख देता हूँ, बट खाता नहीं उसके ऊपर खाना, और कंफर्टेबली फील नहीं होता, तो नीचे बैठ के तो सही कंफर्टेबल फील हो रहा है, खा ले। तो गाइस खाना खत्म हो चुका है, पेट भर चुका है, अब कंटिन्यू करते हैं वर्क को। सुबह जब भी टाइम हो रहा है तो अभी फाइनली 5 बज गया है और ये कुछ इतना ड्रॉ हो पाया है, और ये वाला पार्ट बाकी है अभी थोड़ा सा, जो कि आई थिंक आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस फाइनली 5 घंटे की मेहनत करने के बाद हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, जो कि ये है। अभी थोड़ी बहुत फाइनल टचिंग बाकी है जो कि मैं बाद में ही करूँगा, बिकॉज अभी भी मैंने इसको कंप्लीट किया है तो अच्छे से ऑब्जर्व करके फोटोग्राफ में से वो बाद में ही करूँगा। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है, तो अभी 5:30 हो रहे हैं पूरे, तो अब मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे फिर चारों को पैक करके सेंड भी करके आना है। 3 मैंने आपको दिखाया पहले, 3 कंप्लीट हो चुके थे, तो सारे मेरे कमीशन वर्क जितने भी थे चारों के चारों कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मैं अब जल्दी से पैक करके पोस्ट कराऊंगा। और भी बहुत काम है जो कि सो के उठने के बाद करने हैं, फिलहाल तो भी सो जाता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो अभी तक आंखों में नींद नहीं, लिटरली 6 बजने वाली है, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ और उसके बाद बहुत काम है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Yeah.